डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स सेक्शन को पढ़ना शुरू करते हैं। क्लास ट्वेल्थ में फिजिक्स जैसा बात कर रहे थे तो पिछला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो कि हम लोगों का वो क्लास एंड हो गया था, वो क्लासेस खत्म हो गई थी जो पिछला चैप्टर चल रहा था। चलिए उसके आगे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो अगला जो है वो हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जरा बात कर लेते हैं कि कौन सा खंड में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो खंड दो है जिसका नाम है धारा विद्युत। धारा विद्युत ये खंड का नाम हुआ। और अगर बात किया जाए तो खंड टू में टोटल पांच चैप्टर था जिसमें हम लोगों ने चार चैप्टर को पढ़ा है। और आपको ये भी याद आना चाहिए कि जो हम लोगों की फिजिक्स है वो टोटल छह खंड में बटा हुआ है। अब छह खंड में हम लोग अभी पढ़ कौन सा रहे हैं, दूसरी खंड, ठीक है। और दूसरी खंड तभी खत्म हो पाएगा जब इसके अंदर का पांच चैप्टर खत्म होगा। तो इसके अंदर का चार चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आइए खंड दो का पांचवा चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, जैसा कि आपको पता है प्रत्यावर्ती धारा जो हुआ वो क्या होता है। प्रत्यावर्ती, आप टेंथ क्लास में पर्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा पढ़े होंगे, जिसको अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अब किसको बोलेंगे अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा, और किसको बोलेंगे दिष्ट धारा, पहले इन चीजों को हम लोग समझ लेना जरूरी है कि आखिर ये धारा विद्युत में एक खंड कौन सा है। तो सबसे पहले जरा इनका नाम देख लेते हैं, नाम क्या है, प्रत्यावर्ती धारा। अब इस प्रत्यावर्ती धारा को अंग्रेजी में बोला जाता है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, तो अल्टरनेटिंग का फर्स्ट लेटर ए हुआ और करंट का फर्स्ट लेटर सी हुआ, इसलिए प्यारे साथियों इसको एसी करंट भी बोलते हैं, एसी भी बोला जाता है। आप बहुत बार यूज किए होंगे कि ये एसी है ये डीसी है, ठीक है। तो एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, और अल्टरनेटिंग का जो हिंदी हुआ वो प्रत्यावर्ती धारा हुआ। अब हम एक और चीज बात करते हैं, जब टेंथ में आप लोग जो पढ़ते थे वो धारा को दो टाइप्स में बांटकर पढ़ते थे, एक का नाम है प्रत्यावर्ती धारा और दूसरे का नाम है दिष्ट धारा। अब किसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती और किसको बोलते हैं दिष्ट धारा। तो सबसे पहले याद आना चाहिए कि टेंथ में हम लोग पढ़े थे कि प्रत्यावर्ती धारा वो धारा है जो अपनी दिशा को बदल सकती है। यही कारण है प्यारे साथियों कि अगर कोई दो वायर को हम लोग किधर से भी जोड़ देते हैं तो एसी वाले करंट में हमें लाइट अप्राप्त कर लेते हैं, वो हो गया एसी करंट। लेकिन डीसी में क्या है ना, आपको उसी करंट से, मतलब कि वहां पे दोनों हर बार नहीं, इसलिए आप डीसी बैटरी से कोई वायर को जोड़ते होंगे, वहां पे चेक करते होंगे कि क्या इस तार को इसमें प्लस माइनस ठिकाने से जल रहा है, नहीं जल रहा है तो उसको पलट के जोड़ते हैं, राइट, यानी कि उसको उल्टा करके फिर जोड़ते हैं, तब जाके हमें धारा प्राप्त होता है। सिंपल वे में प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो परिपथ में अपनी दिशा को बदल सकती है, यानी कि उसको हम लोग किधर से भी आप लगाएंगे बदल के भी तो वो हमें धारा प्राप्त हो जाएगी। लेकिन दिष्ट धारा वैसी धारा होती है जो एक ही दिशा में बहती है, वो दिशा चेंज नहीं करती है। यानी कि सिंपल वे में ये हम बोलना चाहते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो अपनी दिशा को बदल लेती है, बदलती है टाइम के अकॉर्डिंग, क्या कहलाती है, एसी कहलाती है। लेकिन दिष्ट धारा वैसी धारा है जो एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, उसको बोलते हैं दिष्ट धारा। और दिष्ट धारा का जो अंग्रेजी होता है वो डायरेक्ट करंट होता है, और डायरेक्ट करंट का शॉर्ट नेम हुआ डीसी, इसीलिए उसको डीसी बोला जाता है।
आपको पता हो गया कि टेंथ में जो था ना, एक धारा चैप्टर में, विद्युत धारा चैप्टर में एक छोटा सा डेफिनेशन था, और ये ट्वेल्थ क्लास में भाई सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा पे एक चैप्टर बन गया। सोचिए, यानी कि टेंथ क्लास में हम लोग धारा विद्युत धारा एक चैप्टर है जिसमें एक टॉपिक था कि प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, दिष्ट धारा किसे कहते हैं, समझ में आया। लेकिन इस बार दिष्ट साथ में नहीं चलने वाला है, इस बार सिर्फ और सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ट्रांसफार्मर का बनावट कैसा होता है, वो कैसे काम करता है, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। आखिर उसमें दोनों ही दिशाओं में करंट कैसे पास करता है, यानी अभी हम लोग पढ़े कि प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा है जो अपनी दिशा को बदल सकती है, यानी कि चेंज कर सकती है। तो आखिर इसमें ऐसा क्या होता है, तो इन चीजों को हम लोग डीपली नॉलेज लेंगे। और देख ही रहे हैं एसी पे एक बड़ा चैप्टर है जिसको खंड टू के पांचवें चैप्टर में रखा गया है। तो जरा सबसे पहले समझते हैं ये प्रत्यावर्ती धारा क्या है, समझ तो लिए ही है। अब इसके नीचे एरो देंगे जो चैप्टर लिए हैं उसी के बारे में कि आखिर प्रत्यावर्ती धारा कहते किसको है। लिखा जाए, किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली वैसी धारा जो कुछ समय तक एक दिशा में तथा फिर उतने ही समय तक विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, वे प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है, चलिए प्रत्यावर्ती धारा किसको कहते हैं। तो इसमें क्या लिखें कि अगर इसमें जो धारा की दिशा हो कुछ समय में एक दिशा में और फिर उतने ही समय में अपनी दिशा को परिवर्तित कर लेती है, इसीलिए आप क्या कीजिएगा, एक्सपेरिमेंट, दो एक वायर लीजिएगा, उसमें तो दो तार लपेटा हुआ रहता है, अब उससे एक बल्ब को कनेक्ट कर दीजिएगा और बाकी जो दो छोर होगा उसको प्लग में कैसे भी लगाइएगा, एक बार इस सिचुएशन में लगाइएगा फिर उसको बदल के लगाइएगा, दोनों ही केस में देखिएगा कि बल्ब क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है, जल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं धारा जो है अपनी दिशा को बदल रही है, और जब ये बदल रही है तब इसी का नाम हो जाता है एसी, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। तो ये चीजें हम लोग समझे। अब हम लोग जरा आते हैं टॉपिक्स पे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक लिया जाए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली का घूर्णन। यहां पे हम लोग ये समझेंगे कि अगर कोई एक समान क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र है उसमें कुंडली जो है कैसे घूमता है, ठीक है, और उसको घूमने में जो टाइम लगता है, किसमें पॉजिटिव होता है किसमें निगेटिव होता है, इन सारी चीजों को, क्योंकि हम लोगों को इसी चैप्टर में ट्रांसफार्मर के बारे में सीखना है, तो ट्रांसफार्मर तभी हम लोग सीख पाएंगे जब इन छोटी छोटी चीजों को सीख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक्स क्या लिए हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली का घूर्णन। अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली का घूर्णन कैसे होता है, इन चीजों को समझने के लिए सबसे पहले पॉइंट वाइज कुछ बात लिख लिया जाए, फिर हम चीजों को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे
यदि किसी बंद कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करने दिया जाए तो इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होगा, अतः प्रेरण के सिद्धांत से कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, जिसके परिमाण और दिशा समय के साथ साथ बदलते रहता है चलिए अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली कैसे घूमता है, घूर्णन का मतलब क्या, घूमना, कब, जब चुंबकीय क्षेत्र वहां पे रहेगा तब। तो इन चीजों को समझने के लिए हमें फिगर की आवश्यकता है, तो चलिए फिगर बनाते हैं फिर समझते हैं। आप देख पा रहे होंगे सामने फिगर है, इसी फिगर से हम लोग समझेंगे कि आखिर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को कैसे घूर्णित किया जाता है, यानी कि वो कैसे घूरता है, कैसे घूर्णन करता है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दोनों तरफ ये जो लिया गया है ये हाई पावरफुल वाला चुंबक लिया गया है, जिसकी शक्ति बहुत ज्यादा है, हाई पावरफुल वाला चुंबक है जो सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इसका एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, यानी कि चुंबक का उत्तरी ध्रुव है N से सूचित किया गया है, ये उसका दक्षिणी ध्रुव है S, यानी कि साउथ से सूचित किया गया है। उसके बीच में एक कुंडली है PQRS। अब इस कुंडली को कहां रखा गया है, तो वो दोनों चुंबक के बीच में रखा गया है, क्योंकि ये दोनों चुंबक के वजह से यहां पे क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, साथ साथ इस कुंडली से क्या जोड़ा गया है, एक प्रतिरोधक जोड़ा गया है, प्रतिरोधक यानी कि लोड दिया जाता है इस पे, ताकि वो आसानी से अपने अक्ष पे क्या हो सके, घूम सके कुंडली, ठीक है। तो इसके नीचे एक आयताकार कुंडली दिया गया है जिसमें फेरों की संख्या एन है, क्योंकि कुंडली हम लोग देखे थे ना पिछले चैप्टर में कि आयताकार कुंडली कैसे बनता है, ऐसा करके बना हुआ है, तो इसमें हम लोग वैसा ही दिखा रहे हैं। और इसका जो अक्ष है वो ओमेगा से, ओमेगा का मतलब कि उसका बिल्कुल अक्ष, जैसे अगर बात किया जाए तो एक आयताकार कुंडली अगर हम ये लेते हैं तो इसका बिल्कुल अक्ष ये होगा, और जब भी घूमेगा तो अपने अक्ष पे ऐसे 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 करके घूमेगा, ठीक है। वैसे ही आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे जब दो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को रखा जाता है, ये कुंडली है, इसको रख दिया, तो ये कुंडली में क्या होने लगा, तो हम लोग तो पहले से जानते हैं ना कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई एरिया वाले कुंडली, कोई क्षेत्रफल वाले कुंडली को अगर रखा जाता है तो वहां से ऑटोमेटिक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होने लगता है। कब, जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी कुंडली को रखते हैं तो। तो सबसे पहला लॉजिक तो यहां ये हुआ कि यहां पे फ्लक्स उत्पन्न होगा। क्यों फ्लक्स उत्पन्न होगा, क्योंकि
चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को रखे हुए हैं। तो जब कभी भी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को रखा जाता है तो वहां से चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, ये तो पक्की बात है। और फिर हम लोग विद्युत प्रेरण के सिद्धांत को पढ़े हैं, वहां से हम ये पढ़े, वहां से हम ये जाने कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली, कोई कुंडली को रखा जाता है तो उसमें ऑटोमेटिक एक विद्युत वाहक बल आ जाता है। ठीक है, कब? जब वो गति करता है तब। हम लोग सीखे ना, जब वो गति करता है, कुंडली को रख दिए तो रखने के वजह से वो घूर्णित नहीं हो रहा है, उसको घुमाना पड़ेगा, तेजी से घुमाना पड़ेगा, तो उसमें क्या आएगा? विद्युत वाहक बल आएगा, यानी कि करंट भी आ जाता है। यानी कि हम लोग यहां से दो बातें सामने आ रही है, कौन कौन सी बात? तो एक बात ये कि यहां से चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा और प्रेरण के सिद्धांत से इस कुंडली में ऑटोमेटिक धारा उत्पन्न हो जाएगा, या फिर विद्युत वाहक बल जिसको बैटरी बोलते हैं वहां से उत्पन्न हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये बात आया कि यही कारण है कि ये अपनी दिशा को क्या करती है, बदलती है, यानी कि अपनी जो पोजिशन है उसको बदलती है। अगर मान लिया कि ये कॉपी है, अब यहां पे देख लीजिएगा, इधर स्पाइरल वाला पार्ट है, अब एक बार अगर घूमेगा ऐसे तब इधर अपने जगह पे आया स्पाइरल। अगर मान लिया इसका एक बार, अगर मान लिया स्पाइरल यहां चला गया तो हम बोलेंगे कि आधा घूर्णन हुआ है, यानी कि अगर इस कुंडली को पूरा चक्रण होने में, पूरा चक्रण होने में आवर्त काल टी लग रहा होता है, कितना आवर्त काल लग रहा होता है? टी लग रहा होता है, तब हम लोग बोलेंगे। तो उसके नीचे ये फिगर बना लेना है और फिगर के नीचे एक बात लिखना है, यदि कुंडली का आवर्त काल कैपिटल टी हो तो। आवर्त काल कैपिटल टी का मतलब क्या है? कैपिटल टी का मतलब कि पूरा टी समय लग रहा है इसको एक चक्कर होने में। अब एक चक्कर किसको कहेंगे? तो मान लिया कि यहां पे इधर स्पाइरल वाला है, इधर स्पाइरल वाले पार्ट से एक बार घुमा ऐसे, ये तो आधा घुमा जब इधर स्पाइरल आया, फिर से पीछे की तरफ आगे घुमा, तब हम इसको बोलेंगे कि एक चक्कर हुआ। और एक चक्कर में पूरा टाइम कितना लगता है? टी। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही आधा चक्कर कुंडली का होता है, आधा चक्कर किसको बोलेंगे? तो जैसे मान लिया ये फर्स्ट पोजीशन है और ये घूमना शुरू करेगा, तो घूमना शुरू करेगा तो ऐसे होगा, तो हम इसको बोलेंगे आधा चक्रण। ठीक है, और आधा चक्रण में जो धारा का मान देता है वो पॉजिटिव वैल्यू देता है और आधा चक्रण में निगेटिव देता है। यानी कि यहां से जो, अगर मान लिया जाए कि आवर्त काल अगर टी है तो पहला बात लिखेंगे टी बराबर जीरो से टी बराबर टी बाई टू तक ई का वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू होगा। यानी कि अगर जीरो से लेकर आधा टाइम तक अगर कुंडली घूमता है, टी बाई टू तक घूमता है, तो यहां से विद्युत वाहक बल किस में होगा? पॉजिटिव में होगा। और दूसरा बल, दूसरा वाला बात ये लिखेंगे, अगर टी का वैल्यू टी बटा टू से लेकर टी तक रहेगा, यानी आधा से लेकर अगर पूरा चक्रण तक होगा, तो वहां तक ई का वैल्यू माइनस वैल्यू होगा। यानी कि बातों को समझिए, हम यहां पे ये बोलना चाह रहे हैं कि आखिर वो प्लस और माइनस क्या बताता है। तो प्लस और माइनस ये बताता है कि एक चक्रण में वो आधा धन आयन को रिलीज करता है और आधा ऋण आयन को रिलीज करता है कुंडली जब घूमता है। तो यही कारण है कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है, तो अपनी धारा को हमेशा हमेशा दिशा को बदलते रहती है, विपरीत करते रहती है। क्यों? क्योंकि जैसे कुंडली यहां से घूमी, ये फर्स्ट पोजिशन था, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के वजह से ये घूमी तो इधर आ गई, तो इधर आ गई तो ये हो गया पॉजिटिव वैल्यू, ईएमएफ इसका विद्युत वाहक पॉजिटिव हो गया। जैसे फिर इधर आधे पीछे की तरफ घुमा तो फिर से हो गया ऋणात्मक माइनस वैल्यू। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर टी का वैल्यू जीरो से आधा तक जाती है, यानी कि टी बाई टू तक, तो प्लस वैल्यू, और आधा से जब पूरा होती है, क्योंकि पूरा आवर्त काल यानी कि पूरा चक्रण कितना लग रहा है? टी। तो वही बात को लिखे हैं कि ई का वैल्यू किसमें होगा?
माइनस में होगा। ठीक है, अब क्या करना है, जो चीजें यहां पे लिखे हैं वही चीज को यहां पे लिखना है, यहां पे नीचे एरो देके, अर्थात ये बात लिखने के बाद फिगर बनाइएगा, उसके नीचे ये चीजें, फिर अर्थात करके लिखिएगा, अर्थात टी बराबर जीरो से टी बराबर टी बाय टू तक, देखिए ये टी क्या है, ये समय है और ये चक्रम का समय है कैपिटल टू, आवर्त काल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अर्थात में लिखिएगा टी बराबर जीरो से टी बराबर टी बाय टू तक, कैपिटल टी, टी बराबर जीरो से टी बराबर टी बाय टू तक की अवधि में, की अवधि में विद्युत वाहक बल धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, इसलिए इसे धनात्मक चक्रम कहा जाता है, इसलिए इसे धनात्मक चक्रम कहा जाता है। फिर नेक्स्ट अब लिखेंगे, यदि टी बराबर, यहां टी बाय टू से टी बराबर टी तक, देखिए ये कुछ छोटा टी है, छोटा टी का मतलब समय कि आखिर आधा समय तक, और ये टी का मतलब होता है पूरा चक्कर। ठीक है, तो यहां लिखिएगा यदि टी बराबर टी बाय टू से टी बराबर टी तक, टी बराबर टी तक की अवधि में विद्युत वाहक बल ऋणात्मक हो तो इसे ऋणात्मक अर्धचक्र कहा जाता है, तो इसे ऋणात्मक अर्धचक्र कहा जाता है। चलिए, तो अब हम लोग यहां से दो बातें सीखे कि धनात्मक अर्धचक्र क्या होता है और ऋणात्मक अर्धचक्र क्या होता है। ठीक है, इसके बाद तो यहां से यही चीजें पता चलता है कि कहीं ना कहीं प्रत्यावर्ती धारा में धारा की जो दिशा होती है वो बदलती है, क्योंकि अभी हम लोग किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली को रख कर ये पता कर लिए कि उसके घूर्णन की जो प्रक्रिया है या घूर्ने की जो मैकेनिज्म है वो आखिर हो कैसे रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम ये चीजें लिखते हैं, अंत में एक और एरो देंगे, लिखेंगे अतः, लास्ट एरो देकर यही बात लिखा जाए, अतः प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है, अतः प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जिसके मान और दिशा, जिसके मान और दिशा समय के साथ आवर्त रूप में बदलते रहते हैं, आवर्त रूप में बदलते रहते हैं। तो हम लोग यहां सीखे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को रखते हैं तो आखिर उसमें दिशा की परिवर्तन कैसे होती है, ये चीजें हम लोग यहां सीखे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तो एक नए टॉपिक के साथ हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद। डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के फिजिक्स सेक्शन को पढ़ना शुरू करते हैं। क्लास 12th में फिजिक्स जैसा बात कर रहे थे तो पिछला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो कि हम लोगों का वो क्लास एंड हो गया था,
वो क्लासेस खत्म हो गई थी जो पिछला चैप्टर चल रहा था। चलिए उसके आगे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो अगला जो है वो हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जरा बात कर लेते हैं कि कौन सा खंड में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो खंड दो है जिसका नाम है धारा विद्युत। धारा विद्युत ये खंड का नाम हुआ। और अगर बात किया जाए तो खंड टू में टोटल पांच चैप्टर था जिसमें हम लोगों ने चार चैप्टर को पढ़ा है। और आपको ये भी याद आना चाहिए कि जो हम लोगों की फिजिक्स है वो टोटल छह खंड में बटा हुआ है। अब छह खंड में हम लोग अभी पढ़ कौन सा रहे हैं, दूसरी खंड, ठीक है। और दूसरी खंड तभी खत्म हो पाएगा जब इसके अंदर का पांच चैप्टर खत्म होगा। तो इसके अंदर का चार चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आइए खंड दो का पांचवा चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, जैसा कि आपको पता है प्रत्यावर्ती धारा जो हुआ वो क्या होता है। प्रत्यावर्ती, आप टेंथ क्लास में पर्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा पढ़े होंगे जिसको अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अब किसको बोलेंगे अल्टरनेटिव करंट प्रत्यावर्ती धारा और किसको बोलेंगे दिष्ट धारा, पहले इन चीजों को हम लोग समझ लेना जरूरी है कि आखिर ये धारा विद्युत में एक खंड कौन सा है। तो सबसे पहले जरा इनका नाम देख लेते हैं। नाम क्या है, प्रत्यावर्ती धारा। अब इस प्रत्यावर्ती धारा को अंग्रेजी में बोला जाता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, अब अल्टरनेटिंग करंट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, तो अल्टरनेटिंग का फर्स्ट लेटर ए हुआ और करंट का फर्स्ट लेटर सी हुआ, इसलिए प्यारे साथियों इसको एसी करंट भी बोलते हैं, एसी भी बोला जाता है। आप बहुत बार यूज किए होंगे कि ये एसी है ये डीसी है, ठीक है। तो एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग का जो हिंदी हुआ वो प्रत्यावर्ती धारा हुआ। अब हम एक और चीज बात करते हैं, जब टेंथ में आप लोग जो पढ़ते थे वो धारा को दो टाइप्स में बांटकर पढ़ते थे, एक का नाम है प्रत्यावर्ती धारा और दूसरे का नाम है दिष्ट धारा। अब किसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती और किसको बोलते हैं दिष्ट धारा। तो सबसे पहले याद आना चाहिए कि टेंथ में हम लोग पढ़े थे कि प्रत्यावर्ती धारा वो धारा है जो अपनी दिशा को बदल सकती है। यही कारण है प्यारे साथियों कि अगर कोई दो वायर को हम लोग किधर से भी जोड़ देते हैं तो एसी वाले करंट में हमें लाइट अप्राप्त कर लेते हैं, वो हो गया एसी करंट। लेकिन डीसी में क्या है ना, आपको उसी करंट से, मतलब कि वहां पे दोनों हर बार नहीं, इसलिए आप डीसी बैटरी से कोई वायर को जोड़ते होंगे वहां पे चेक करते होंगे कि क्या इस तार को इसमें प्लस माइनस ठिकाने से जल रहा है, नहीं जल रहा है तो उसको पलट के जोड़ते हैं, राइट, यानी कि उसको उल्टा करके फिर जोड़ते हैं, तब जाके हमें धारा प्राप्त होता है। सिंपल वे में प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो परिपथ में अपनी दिशा को बदल सकती है, यानी कि उसको हम लोग किधर से भी आप लगाएंगे बदल के भी तो वो हमें धारा प्राप्त हो जाएगी। लेकिन दिष्ट धारा वैसी धारा होती है जो एक ही दिशा में बहती है, वो दिशा चेंज नहीं करती है। यानी कि सिंपल वे में ये हम बोलना चाहते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो अपनी दिशा को बदल लेती है, बदलती है टाइम के अकॉर्डिंग, क्या कहलाती है, एसी कहलाती है। लेकिन दिष्ट धारा वैसी धारा है जो एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, उसको बोलते हैं दिष्ट धारा। और दिष्ट धारा का जो अंग्रेजी होता है वो डायरेक्ट करंट होता है, और डायरेक्ट करंट का शॉर्ट नेम हुआ डीसी, इसीलिए उसको डीसी बोला जाता है। तो आपको पता हो गया कि टेंथ में जो था ना, एक धारा चैप्टर में, विद्युत धारा चैप्टर में एक छोटा सा डेफिनेशन था, और ये ट्वेल्थ क्लास में भाई सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा पे एक चैप्टर बन गया, सोचिए। यानी कि
टेंथ क्लास में हम लोग धारा विद्युत विद्युत धारा एक चैप्टर है जिसमें एक टॉपिक था कि प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, दिष्ट धारा किसे कहते हैं, समझ में आया। लेकिन इस बार दिष्ट साथ में नहीं चलने वाला है, इस बार सिर्फ और सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ट्रांसफार्मर का बनावट कैसा होता है, वो कैसे काम करता है, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। आखिर उसमें दोनों ही दिशाओं में करंट कैसे पास करता है, यानी अभी हम लोग पढ़े कि प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा है जो अपनी दिशा को बदल सकती है, यानी कि चेंज कर सकती है। तो आखिर इसमें ऐसा क्या होता है, तो इन चीजों को हम लोग डीपली नॉलेज लेंगे। और देख ही रहे हैं एसी पे एक बड़ा चैप्टर है जिसको खंड टू के पांचवें चैप्टर में रखा गया है। तो जरा सबसे पहले समझते हैं ये प्रत्यावर्ती धारा क्या है, समझ तो लिए ही है। अब इसके नीचे एरो देंगे जो चैप्टर लिए हैं उसी के बारे में कि आखिर प्रत्यावर्ती धारा कहते किसको है। लिखा जाए किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली वैसी धारा जो कुछ समय तक एक दिशा में तथा फिर उतने ही समय तक विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, वे प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है, चलिए प्रत्यावर्ती धारा किसको कहते हैं। तो इसमें क्या लिखें कि अगर इसमें जो धारा की दिशा हो कुछ समय में एक दिशा में और फिर उतने ही समय में अपनी दिशा को परिवर्तित कर लेती है, इसीलिए आप क्या कीजिएगा एक्सपेरिमेंट, एक वायर लीजिएगा उसमें तो दो तार लपेटा हुआ रहता है, अब उससे एक बल्ब को कनेक्ट कर दीजिएगा और बाकी जो दो छोर होगा उसको प्लग में कैसे भी लगाइएगा, एक बार इस सिचुएशन में लगाइएगा फिर उसको बदल के लगाइएगा, दोनों ही केस में देखिएगा कि बल्ब क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है, जल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं धारा जो है अपनी दिशा को बदल रही है, और जब ये बदल रही है तब इसी का नाम हो जाता है एसी, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। तो ये चीजें हम लोग समझे। अब हम लोग जरा आते हैं टॉपिक्स पे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक लिया जाए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली का घूर्णन। यहां पे हम लोग ये समझेंगे कि अगर कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है उसमें कुंडली जो है कैसे घूमता है, ठीक है, और उसको घूमने में जो टाइम लगता है, किसमें पॉजिटिव होता है किसमें निगेटिव होता है, इन सारी चीजों को, क्योंकि हम लोगों को इसी चैप्टर में ट्रांसफार्मर के बारे में सीखना है, तो ट्रांसफार्मर तभी हम लोग सीख पाएंगे जब इन छोटी छोटी चीजों को सीख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक्स क्या लिए हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली का घूर्णन। अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली का घूर्णन कैसे होता है, इन चीजों को समझने के लिए सबसे पहले पॉइंट वाइज कुछ बात लिख लिया जाए, फिर हम चीजों को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे यदि किसी बंद कुंडली को किसी
किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करने दिया जाए तो, घूर्णन करने दिया जाए तो इससे संबद्ध, इससे संबद्ध, इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होगा, समय के साथ परिवर्तन होगा, अतः अतः प्रेरण के सिद्धांत से, प्रेरण के सिद्धांत से कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा जिसके परिमाण और दिशा, जिसके परिमाण और दिशा समय के साथ साथ, समय के साथ साथ बदलते रहता है, समय के साथ साथ बदलते रहता है। चलिए अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली कैसे घूमता है, घूर्णन का मतलब क्या, घूमना, कब, जब चुंबकीय क्षेत्र वहां पे रहेगा तब। तो इन चीजों को समझने के लिए हमें फिगर की आवश्यकता है, तो चलिए फिगर बनाते हैं फिर समझते हैं। आप देख पा रहे होंगे सामने फिगर है, इसी फिगर से हम लोग समझेंगे कि आखिर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को कैसे घूर्णित किया जाता है, यानी कि वो कैसे घूरता है, कैसे घूर्णन करता है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दोनों तरफ ये जो लिया गया है ये हाई पावरफुल वाला चुंबक लिया गया है जिसकी शक्ति बहुत ज्यादा है, हाई पावरफुल वाला चुंबक है जो सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इसका एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, यानी कि चुंबक का उत्तरी ध्रुव है N से सूचित किया गया है, ये उसका दक्षिणी ध्रुव है S में यानी कि साउथ से सूचित किया गया है। उसके बीच में एक कुंडली है PQRS। अब इस कुंडली को कहां रखा गया है, तो वो दोनों चुंबक के बीच में रखा गया है, क्योंकि ये दोनों चुंबक के वजह से यहां पे क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, साथ साथ इस कुंडली से क्या जोड़ा गया है, एक प्रतिरोधक जोड़ा गया है, प्रतिरोधक यानी कि लोड दिया जाता है इस पे ताकि वो आसानी से अपने अक्ष पे क्या हो सके, घूम सके कुंडली, ठीक है। तो इसके नीचे एक आयताकार कुंडली दिया गया है जिसमें फेरों की संख्या एन है, क्योंकि कुंडली हम लोग देखे थे ना पिछले चैप्टर में कि आयताकार कुंडली कैसे बनता है, ऐसा करके बना हुआ है, तो इसमें हम लोग वैसे ही दिखा रहे हैं। और इसका जो अक्ष है वो ओमेगा से, ओमेगा का मतलब कि उसका बिल्कुल अक्ष, जैसे अगर बात किया जाए तो एक आयताकार कुंडली अगर हम ये लेते हैं तो इसका बिल्कुल अक्ष ये होगा, और जब भी घूमेगा तो अपने अक्ष पे ऐसे 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 करके घूमेगा, ठीक है। वैसे ही आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे जब दो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को रखा जाता है, किसी कुंडली को रखा जाता है, ये कुंडली है इसको रख दिया, तो ये कुंडली में क्या होने लगा, तो हम लोग तो पहले से जानते हैं ना कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई एरिया वाले कुंडली, कोई क्षेत्रफल वाले कुंडली को अगर रखा जाता है तो वहां से ऑटोमेटिक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होने लगता है, कब, जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी कुंडली को रखते हैं तो। तो सबसे पहला लॉजिक तो यहां ये हुआ कि यहां पे फ्लक्स उत्पन्न होगा, क्यों फ्लक्स उत्पन्न होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को रखे हुए हैं, तो जब कभी भी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को रखा जाता है तो वहां से चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, ये तो पक्की बात है। और फिर हम लोग
विद्युत प्रेरण के सिद्धांत को पढ़े हैं, वहां से हम ये पढ़े, वहां से हम ये जाने कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली, कोई कुंडली को रखा जाता है तो उसमें ऑटोमेटिक एक विद्युत वाहक बल आ जाता है। ठीक है, कब? जब वो गति करता है तब। हम लोग सीखे ना, जब वो गति करता है, कुंडली को रख दिए तो रखने के वजह से वो घूर्णित नहीं हो रहा है, उसको घुमाना पड़ेगा, तेजी से घुमाना पड़ेगा, तो उसमें क्या आएगा? विद्युत वाहक बल आएगा, यानी कि करंट भी आ जाता है। यानी कि हम लोग यहां से दो बातें सामने आ रही है। कौन कौन सी बात? तो एक बात ये कि यहां से चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा और प्रेरण के सिद्धांत से इस कुंडली में ऑटोमेटिक धारा उत्पन्न हो जाएगा, या फिर विद्युत वाहक बल जिसको बैटरी बोलते हैं वहां से उत्पन्न हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये बात आया कि यही कारण है कि ये अपनी दिशा को क्या करती है? बदलती है, यानी कि अपनी जो पोजीशन है उसको बदलती है। अगर मान लिया कि ये कॉपी है, अब यहां पे देख लीजिएगा, इधर स्पाइरल वाला पार्ट है, अब एक बार अगर घूमेगा ऐसे तब इधर अपने जगह पे आया स्पाइरल। अगर मान लिया इसका एक बार, अगर मान लिया स्पाइरल यहां चला गया तो हम बोलेंगे कि आधा घूर्णन हुआ है। यानी कि अगर इस कुंडली को पूरा चक्रण होने में, पूरा चक्रण होने में आवर्त काल टी लग रहा होता है, कितना आवर्त काल लग रहा होता है? टी लग रहा होता है, तब हम लोग बोलेंगे। तो उसके नीचे ये फिगर बना लेना है और फिगर के नीचे एक बात लिखना है, यदि कुंडली का आवर्त काल कैपिटल टी हो तो। आवर्त काल कैपिटल टी का मतलब क्या है? कैपिटल टी का मतलब कि पूरा टी समय लग रहा है इसको एक चक्कर होने में। अब एक चक्कर किसको कहेंगे? तो मान लिया कि यहां पे इधर स्पाइरल वाला है, इधर स्पाइरल वाले पार्ट से एक बार घुमा ऐसे, ये तो आधा घुमा जब इधर स्पाइरल आया, फिर से पीछे की तरफ आगे घुमा, तब हम इसको बोलेंगे कि एक चक्कर हुआ। और एक चक्कर में पूरा टाइम कितना लगता है? टी। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही आधा चक्कर कुंडली का होता है, आधा चक्कर किसको बोलेंगे? तो जैसे मान लिया ये फर्स्ट पोजीशन है और ये घूमना शुरू करेगा, तो घूमना शुरू करेगा तो ऐसे होगा, तो हम इसको बोलेंगे आधा चक्रण। ठीक है, और आधा चक्रण में जो धारा का मान देता है वो पॉजिटिव वैल्यू देता है और आधा चक्रण में निगेटिव देता है। यानी कि यहां से जो, अगर मान लिया जाए कि आवर्त काल अगर टी है तो पहला बात लिखेंगे टी बराबर जीरो से टी बराबर टी बाई टू तक ई का वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू होगा। यानी कि अगर जीरो से लेकर आधा टाइम तक अगर कुंडली घूमता है, टी बाई टू तक घूमता है, तो यहां से विद्युत वाहक बल किसमें होगा? पॉजिटिव में होगा। और दूसरा बल, दूसरा वाला बात ये लिखेंगे, अगर टी का वैल्यू टी बटा टू से लेकर टी तक रहेगा, यानी आधा से लेकर अगर पूरा चक्रण तक होगा, तो वहां तक ई का वैल्यू माइनस वैल्यू होगा। यानी कि बातों को समझिए, हम यहां पे ये बोलना चाह रहे हैं कि आखिर वो प्लस और माइनस क्या बताता है। तो प्लस और माइनस ये बताता है कि एक चक्रण में वो आधा धन आयन को रिलीज करता है और आधा ऋण आयन को रिलीज करता है कुंडली जब घूमता है। तो यही कारण है कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है, तो अपनी धारा को हमेशा हमेशा दिशा को बदलते रहती है, विपरीत करते रहती है। क्यों? क्योंकि जैसे कुंडली यहां से घूमी, ये फर्स्ट पोजिशन था, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के वजह से ये घूमी तो इधर आ गई, तो इधर आ गई तो ये हो गया पॉजिटिव वैल्यू, ईएमएफ इसका विद्युत वाहक पॉजिटिव हो गया। जैसे फिर इधर आधे पीछे की तरफ घुमा तो फिर से हो गया ऋणात्मक माइनस वैल्यू। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर टी का वैल्यू जीरो से आधा तक जाती है, यानी कि टी बाई टू तक, तो प्लस वैल्यू, और आधा से जब पूरा होती है, क्योंकि पूरा आवर्त काल यानी कि पूरा चक्रण कितना लग रहा है? टी। तो वही बात को लिखे हैं कि ई का वैल्यू किस में होगा? माइनस में होगा। ठीक है, अब क्या करना है, जो चीजें यहां पे लिखे हैं वही चीज को यहां पे लिखना है। यहां पे नीचे एरो देखिए, अर्थात
अर्थार्थ, ये बात लिखने के बाद फिगर बनाइएगा, उसके नीचे ये चीजें, फिर अर्थार्थ करके लिखिएगा। अर्थार्थ टी बराबर जीरो से टी बराबर टी बाई टू तक, देखिए ये टी क्या है, ये समय है और ये चक्रण का समय है कैपिटल टू, आवर्तकाल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अर्थार्थ में लिखिएगा टी बराबर जीरो से टी बराबर टी बाई टू तक, कैपिटल टी, टी बराबर जीरो से टी बराबर टी बाई टू तक की अवधि में, की अवधि में विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, इसलिए इसे, इसलिए इसे धनात्मक चक्रण कहा जाता है, इसलिए इसे धनात्मक चक्रण कहा जाता है। फिर नेक्स्ट अब लिखेंगे, यदि टी बराबर, यहां टी बाई टू से टी बराबर टी तक, देखिए ये कुछ छोटा टी है, छोटा टी का मतलब समय कि आखिर आधा समय तक, और ये टी का मतलब होता है पूरा चक्कर, ठीक है। तो यहां लिखिएगा यदि टी बराबर टी बाई टू से टी बराबर टी तक, टी बराबर टी तक की अवधि में, की अवधि में विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल ऋणात्मक हो तो, ऋणात्मक हो तो इसे, इसे ऋणात्मक अर्धचक्र कहा जाता है, तो इसे ऋणात्मक अर्धचक्र कहा जाता है। चलिए तो अब हम लोग यहां से दो बातें सीखे कि धनात्मक अर्धचक्र क्या होता है और ऋणात्मक अर्धचक्र क्या होता है, ठीक है। इसके बाद तो यहां से यही चीजें पता चलता है कि कहीं ना कहीं प्रत्यावर्ती धारा में धारा की जो दिशा होती है वो बदलती है, क्योंकि अभी हम लोग किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली को रखकर ये पता कर लिए कि उसके घूर्णन की जो प्रक्रिया है या घूरने की जो मैकेनिज्म है वो आखिर हो कैसे रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम ये चीजें लिखते हैं, अंत में एक और एरो देंगे, लिखेंगे अतः, लास्ट एरो देकर यही बात लिखा जाए, अतः प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है, अतः प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जिसके मान और दिशा, जिसके मान और दिशा समय के साथ, समय के साथ आवर्त रूप में बदलते रहते हैं, आवर्त रूप में बदलते रहते हैं। तो हम लोग यहां सीखे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को रखते हैं तो आखिर उसमें दिशा की परिवर्तन कैसे होती है, ये चीजें हम लोग यहां सीखे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तो एक नए टॉपिक के साथ हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।